जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अवनीश सर चार लेकर में दिल्ली से आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल एनोलॉजी का पार्ट वन पढ़ रहे थे, क्लास वन टाइप वन, तो कल बेटा एक बैग टेक्निकल इशू होने के कारण, नेटवर्क चले जाने के कारण बेटा क्लास बीच में बंद हो गई थी। हम लोग टाइप वन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और उसमें भी कुछ क्वेश्चन बच गए थे, लेकिन बेटा आज जहां पे बंद हुआ था वहीं से क्वेश्चन को उठाया जाएगा और आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। जल्दी से आप एक बार जुड़ जाइए, मैं कमेंट को आपको देख रहा हूँ। आज जो भी कमेंट आपका आएगा, मेरा स्क्रीन इधर लग चुका है, सामने नहीं है बेटा, तो आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप बेटा जुड़ जाइए अपनी रीजनिंग की मस्ती क्लास में, और आज भी बेटा उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिस तरीके से कल हम लोग पढ़ रहे थे। बिल्कुल एक एक टाइप निपटाया जाएगा, एक एक टाइप का भंडारा किया जाएगा प्यारे मित्रों, एक एक टाइप का भंडारा। एक बार कमेंट्स में जरूर बताइए कि सब कुछ क्लियर है बेटा, वॉइस क्लियर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ा जाए। ऋतिक मिश्रा राम राम, राम राम बेटा, राम राम सबको, राम राम प्रभात, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। अग्निवीर मैराथन क्लास कब लोगे जीके के प्रीवियस में? बेटा मैं जीके वाले सर से आज ही बात करता हूं कि 22 तारीख से पहले आपकी एक जीके के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर दे, कम से कम 100-150 क्वेश्चन, जिससे आपका भी काम चल जाए बेटा। मैं जरूर आज बात करूंगा बेटा, मैं कल भी बात किया था, आज आपको बता दूंगा। और जल्दी से जुड़ जाओ, सभी को शेयर कर दो, सभी लोग जल्दी से आ जाओ प्यारे मित्रों, अभी तो सिर्फ कम लोग जुड़े हो, जल्दी से शेयर करो एक बार प्यारे मित्रों, बहुत जल्दी से शेयर करो, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा। जल्दी से जुड़ जाओ रीजनिंग वाली क्लास में, और आज भी आपकी जो क्लास कल हुई थी रीजनिंग मैथ और जीके, आज भी वो क्लास मिलेंगी, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, कमेंट करो बेटा। सब कुछ क्लियर तो आ रहा है ना बेटा, एक बार जल्दी बताओ कमेंट में कि सब कुछ क्लियर आ रहा है, तब चला जाए आगे की तरफ, चला जाए बेटा, बढ़ा जाए और आज के क्वेश्चन का निपटारा भंडारा किया जाए। और आज भी कुछ लोग व्रत होंगे तो आज भी जूस पिलाया जाएगा बेटा, तो एक बार माता शेरावाली का जयकारा लगाते हुए, जय माता दी करते हुए हम लोग आगे की तरफ अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो आज जो कल जहां से हम लोग ब्रेक किए थे, आज वहीं से बेटा क्वेश्चन की शुरुआत किया जाएगा जहां से कल हम लोग रोके थे। चलो बेटा जल्दी से आप लोग जुड़ते रहिए और क्लास को पढ़ते रहिए, यानी लेवल टू का क्वेश्चन आने वाला है, तो कल जो लेवल वन में कुछ क्वेश्चन बचे थे पार्ट वन में उसको देखेंगे, और उसके बाद आज टाइप नंबर टू यानी नंबर्स वाले क्वेश्चन का कैसे भंडारा किया जाएगा उस पर देखते हैं। जल्दी से जुड़ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन में बेटा। कल इसी क्वेश्चन पे नेटवर्क इशू होने के कारण ये क्वेश्चन बंद हो गया था, तो एक बार आप पहले क्वेश्चन का आज जवाब देने का प्रयास करो मेरे भाई। डीएलओसी को लिखा गया है ईसीआई, तो टीओएच को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से प्यारे मित्रों बता दो। एक बार सभी को शेयर कर दो बेटा जल्दी से, और एक बार कमेंट में लिख दो कि सब कुछ क्लियर है। अच्छा यस सर क्लियर है, चलो बेटा क्लियर है तो एक बार जवाब देने का प्रयास करो, और जल्दी से जल्दी जोड़ते जाओ बेटा, जोड़ते जाओ, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा। आज स्क्रीन तो मेरे सामने लग गई है, आज आपका कमेंट और दिखेगा बहुत बढ़िया से। ऋतिक मिश्रा प्रभा 13-26, जल्दी से जवाब दो बेटा क्लास का, और भी दोस्तों को अपने शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए लोग। आज भी थोड़ा सा 10 मिनट विलंब हो गया, जानते ही हो टेक्निकल सामान है, टेक्निकल चीजें हैं, तो इशू तो आते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी आपके सामने खड़ा हूं। चलो दोस्तों क्या लिखा गया है मेरे भाई, पहले मैं बता रहा हूँ डीएलओसी को क्या लिखा गया है प्यारे मित्रों, लिखा गया है ईसीआई। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे मित्रों कि टीओएच को क्या लिखा जाएगा, टीओएच को क्या लिखा जाएगा, किसी का जवाब आया कि नहीं है प्यारे मित्रों, किसी का जवाब आया कि नहीं है, चलो देखते हैं किसी का जवाब आया कि नहीं, अभी तक तो किसी का जवाब नहीं आया, जल्दी से जवाब दो प्यारे मित्रों, जल्दी से जवाब दो। राम राम गुरु जी, राम राम भैया बीबीसी लाइन, राम राम, जल्दी से जवाब दो प्यारे मित्रों। अब अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, मैं कल बता रहा था कि कोई ये ना कह देना कि सर यहाँ 4 लेटर है, यहाँ 3 लेटर, तो सर ये क्वेश्चन गलत है। जय हिंद भैया, जय हिंद कुंज लाइफ, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद भाई, क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो, कुंज बीबीसी लाइन, जय जय सभी की, जय हिंद सभी को, जय हिंद, और माता शेरावाली की जयकारा लगाते हुए आज भी क्वेश्चन को उसी तरह भंडारा कराया जाएगा और आज भी जूस पिलाया जाएगा। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन का जवाब देखो, ये क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, कहोगे सर यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर, तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, मैं कहूंगा कुछ और सोचो। प्रभा 13-26 सी AET, अच्छा एक लोगों का जवाब आया कि सर ऑप्शन नंबर सी, प्रभा का जवाब आ गया ऑप्शन नंबर सी बेटा। चलो मेरे मित्रों अब आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। फिर भाई डीएलओसी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो
तो ये लिखा गया है COLD, कोल्ड, यानी कैसे लिखा गया है मीनिंगफुल वर्ड में, कैसे लिखा गया है मीनिंगफुल। और कोल्ड क्या होता है मेरे भाई, आइस होता है, ICE। लेकिन ध्यान दो ये पैटर्न क्या बनाया गया है मेरे मित्रों, पैटर्न बनाया गया है आपका क्रॉस। कौन सा पैटर्न है, यानी सी को यहाँ लिखा गया, डी को यहाँ, ओ को यहाँ पे और एल को यहाँ पे, क्रॉस पैटर्न। उसी प्रकार से IE और क्रॉस पैटर्न। तो मेरे भाई ये लिखा गया है हॉट, क्या लिखा गया है हॉट, ये भी क्रॉस पैटर्न है प्यारे मित्रों ये भी। तो भाई हॉट क्या होता है, अगर ऑप्शन को देखोगे तो समझ जाओगे सर यहाँ पे टी लिखा जाना चाहिए। भाई हॉट क्या होता है, टी, टी मतलब चाय, लेकिन TEA नहीं आंसर होगा। इसका क्रॉस पैटर्न क्या होगा, ए सबसे पहले आएगा, टी बाद में जाएगा और ई कहाँ आएगा, बीच में, यानी AET ऑप्शन बनने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुंज लाइफ वाइज सी, बीबीसी लाइन से, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया प्यारे मित्रों, सेम उसी पैटर्न पे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर दो का जवाब देने का प्रयास करो इस बार। कि YAD को लिखा गया है NUS, तो क्वेश्चन मार्क NOOM को क्या लिखा जाएगा प्यारे मित्रों, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। सी इज करेक्ट, बढ़िया, बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया कुंज लाइव भैया, तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार रहा तो सच में ये हो जाएगा, एक दिन जरूर होगा और आपको कामयाब जरूर एक दिन करा दूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से एक बार जवाब दो। तो आपको एक माता शेरा वाली का गाना सुनाया जाए आपको आज, कि शेरो वाली मैया मेरी पार लगा दो नैया। नहीं बेटा, आप हमेशा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसे और आपका 2024 खाली ना जाए। दूसरे का जवाब आना शुरू हो गया है प्रभा, 1326 टू का डी बता रही है, टू का डी, THGIN। चलो देखते हैं प्यारे मित्रों दूसरे का क्या जवाब होता है, क्या लिखा गया है प्यारे मित्रों, लिखा गया है YAD का रिलेशन कैसे लिखा गया है, NUS कैसे लिखा गया, NUS, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और पूछा गया है NOOM को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ पिछले क्वेश्चन वाला प्यारे मित्रों, बीबीसी लाइन टू का डी है, चलो देखते हैं बेटा, ये लिखा गया प्यारे मित्रों डी, डे, DAY। भाई डे में क्या होता है, कहोगे सर डे में तो ही सन निकलता है, ये लिखा गया SUN। और सबका कैसा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न बेटा, कैसा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, यानी दिन में क्या निकलता है, सन निकलता है। फिर भाई यहाँ पे लिखा गया है मून, यहाँ पे क्या लिखा गया है मून, यानी ये भी क्रॉस पैटर्न चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्रॉस पैटर्न। तो मेरे भाई मून कब होता है, तो कहोगे सर नाइट में, कब निकलता भाई चंद्रमा कब निकलता है, तो कहोगे सर नाइट में, लेकिन नाइट का भी बेटा क्या बनेगा, क्रॉस पैटर्न बनेगा। कैसे, टी आएगा सबसे पहले, एन जाएगा सबसे लास्ट में, यानी ऑप्शन की शुरुआत टी से और खत्म एन पे, यहाँ क्यू है, यहाँ एच है, यहाँ जी है, एक ही ऑप्शन है जो टी से शुरुआत है और एन से समाप्त है। बहुत बढ़िया, सबका जवाब डी है प्यारे मित्रों, सबका जवाब डी है, कुंज लाइफ डी, बीबीसी लाइन डी, प्रभात है, बहुत बढ़िया प्यारे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है LATYE YTLEA। भैया ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत आसान, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बता दो। लव यू गुरुजी, भैया लव यू टू भाई, सभी को लव यू, बहुत बहुत प्यार है मित्रों, आप लोगों से ही तो बहुत प्यार है, आप ही लोगों के लिए तो यहाँ पे दिन रात खड़ा हूँ प्यारे मित्रों, बस आप लोगों का प्यार और चाहिए। अभी आप लोग का प्यार जिस प्रकार से मिलना चाहिए मिल नहीं रहा मेरे मित्रों, और शेयर करो और लोगों को जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ दो कि आज सारी दुनिया भी देखती रह जाएगी कुछ दिन में, क्या हम लोग किस उम्दे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने जुनून से लगे हुए बेटा। एक एक टॉपिक का भंडारा कराऊंगा, एक एक टॉपिक का भंडारा होगा मित्रों। जल्दी से बताओ प्यारे मित्रों क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सोचना नहीं है, आपको सोचना नहीं है कि तीसरे का जवाब क्या होगा, तुरंत तीसरे का भंडारा कर दो मेरे मित्रों। आप देख रहे होगे LATYE YTLEA, यानी सब कुछ यही लिखा गया है, इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। आप देखो तो सही ये क्या किया गया है, आप एक बार बताओ ये किया क्या गया है जल्दी से प्यारे मित्रों। बहुत बढ़िया आपका जवाब आना चाहिए, सबसे बढ़िया जवाब इस क्वेश्चन में आना चाहिए, कि कैसे आप क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हो प्यारे मित्रों।
कैसे इस क्वेश्चन का निपटारा करने वाला, जल्दी से बताओ क्या किया गया है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, मैं आपके कमेंट की तरफ देखा, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, जल्दी से जवाब दो प्यारे मित्रों, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए, जल्दी से जवाब दो। क्या क्वेश्चन नहीं लग रहा है? अरे मेरे मित्रों, लिखा गया है एल ए टी और वाई ई को कैसे लिखा गया है, अगर आप देखोगे तो लिखा गया वाई टी एल, वाई टी एल ई ए। अब प्यारे मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एन ए टी, एन ए टी ए ई ओ। प्यारे मित्रों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एन ई ए, एन ई ए, उसके बाद क्या पूछा गया है एन ई टी ए, एन ई टी ए, ई ओ को कैसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं कौन किसका जवाब सबसे पहले आता है, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। प्यारे मित्रों कहां सो गए आप लोग, क्या नहीं आ रहा है? जय हिंद सर, जय हिंद जुन्नू शुक्ला, जय हिंद, बहुत बढ़िया, जय हिंद। अब देखो प्यारे मित्रों क्वेश्चन में कर क्या रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर सबसे बड़ा वैल्यू देखा जाए वाई, वाई किस नंबर पे आता है मेरे भाई, 25, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू लिख दिया गया 25। फिर देखोगे टी किस नंबर पे आया, 20 पे, कहोगे सर यहाँ 20 लिखा गया है। फिर उससे छोटा क्या है, कहोगे सर 12, यहाँ पे 12 लिखा गया। फिर उससे छोटा क्या है, 5, यहाँ पे 5, और सबसे छोटा क्या है, 1, तो कहोगे सर क्या लिखा गया है, 1। यानी कुछ देख रहे हो घटते हुए क्रम में लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर को अरेंज किया गया, किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है सर मित्रों, डिसेंडिंग ऑर्डर में 25, 20, 12, 5, 1। तो क्या आप यहाँ पे नहीं अरेंज कर पाओगे, कहोगे सर बिल्कुल अरेंज हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा टी है तो सबसे पहले किसको लिखोगे, टी। फिर उससे छोटा क्या है, 15 मेरे भाई ओ है तो ओ लिखो। फिर उससे छोटा क्या है, 14, 14 पे क्या था, एन। फिर देखोगे ई आया है 2 बार, 5 और 5, तो सीधे सीधे 2 बार क्या होगा, ई, और सबसे छोटा है ए मेरे मित्रों, तो लिख दो ए। यानी ऑप्शन क्या बनेगा, टी ओ एन डबल ई ए, टी ओ एन डबल ई ए, ऑप्शन नंबर ए ही प्यारे मित्रों आपका प्यारा जवाब है। किसी का जवाब नहीं आया था, कहां सो गए हो भैया, किसी का जवाब अभी तक नहीं आया, तो क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, देख लेना एक बार। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, जय हिंद सबको, जय हिंद बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया प्यारे मित्रों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है ये, इसका जवाब एक बार देख तो देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है कि ए ई आर वाई एल को लिखा गया है टी ई ए एल, तो बोला गया है पी पी वाई ए एच को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से जवाब दो प्यारे मित्रों, जल्दी से। एक बार आईटी टीम से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए जूस भिजवा दीजिए, बच्चे एकदम सुस्त पड़ गए हैं, सुस्त मुर्गे की तरह हो गए हैं, तो इनके लिए एक बार जूस भिजवाओ भैया, जूस भिजवा दो जल्दी से, जिससे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, लग रहा है व्रत में ज्यादा थक गए क्या अभी से, तो भैया जूस भिजवाते हैं आपके लिए, जवाब तो देते रहो प्यारे मित्रों, जवाब तो देते रहो। कहां चले गए सब लोग, जल्दी से जवाब दो, आपके लिए बढ़िया मैंगो सेक जा रहा है। 4 का भी, अच्छा तीसरे का जवाब गायब, 4 का भी डायरेक्ट आंसर आ गया कि डी ए एस। देखो अभी ये ऑफलाइन क्लास में हमसे पढ़ चुके हैं बच्चे, तो तुरंत 4 का जवाब दे दिए भी, और मेरे मित्रों कौन जवाब देगा 4 का, देखते हैं और किसका जवाब आता है, प्रभा के अलावा देखते हैं किसका जवाब आता है। आपके लिए जूस पहुंच गया, बहुत बढ़िया, पूरा भर भर के गिलास जूस पहुंचा है, पीते रहो और जवाब देते रहो प्यारे मित्रों, जल्दी से भाई। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, ए ई आर, क्या लिखा गया है क्वेश्चन में प्यारे मित्रों, ए ई आर वाई एल को लिखा गया है मेरे भाई ई ई ए एल, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, पी पी वाई एच ए को क्या लिखा जाएगा, पी पी वाई ए एच है भैया, पी पी वाई ए एच है, ए एच को क्या लिखा जाएगा, तो जल्दी से बता दो क्या लिखा जाएगा भाई। प्रेरणा उपाध्याय सर आप पियो जूस, नहीं भैया आज हम जूस नहीं पियेंगे, आज आप लोग को पिला देते हैं जूस, आप लोग आज जवाब दो, क्योंकि आप लोग सुस्त पड़ गए हो प्यारे मित्रों, और सुस्त नहीं पड़ना है दोस्तों, जिंदगी में अगर लड़ाई करनी है और जंग जीतनी है तो बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ना है, बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ना है।
गुरु जी ऑर्डर करवा दो एक बार। भैया बिल्कुल करवा देंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी करवा देंगे, एकदम करवाएंगे, कोई चैप्टर नहीं छोड़ूंगा बेटा, एक एक चैप्टर गिन गिन कर कराऊंगा, चुन चुन कर कराऊंगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात कर रहे हो ना बेटा, मैं कराऊंगा बेटा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। चलो भैया देखते हैं इसमें कि इसका जवाब क्या आने वाला है। अभी तक एक लोगों का जवाब आया, कह रहे मित्रों ये लिखा गया है अर्ली, क्या लिखा गया है EARLY, भाई अर्ली मतलब होता है जल्दी, ये लिखा गया LATE, लेट मतलब क्या होता है भाई, देर होता है, क्या होता है देर, तो आप देखोगे सर ये लिखा गया है HAPPY, हैप्पी, और इसका मेरे भाई विलोम क्या होता है सैड होता है, क्या होता है सैड, लेकिन मेरे भाई क्रॉस पैटर्न क्या बनेगा इसका, कहोगे सर DAS, क्या बनेगा DAS, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों बी। तो ध्यान देना ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंटोनिम्स पे, ये लिखा गया अर्ली, अर्ली मतलब होता है जल्दी, ये लिखा गया है लेट, तो मेरे भाई यहाँ क्या बनेगा मीनिंगफुल वर्ड हैप्पी, और हैप्पी भाई खुशी का विलोम क्या होता है दुख, और दुख किसके होता है सैड मतलब होता है दुख, तो सैड का क्रॉस पैटर्न क्या बनेगा DAS प्यारे मित्रों। बहुत बढ़िया, हमारा तो फास्ट खुल गया। अच्छा भैया, अच्छा हमारे यहाँ तो भैया आज फास्ट है, अष्टमी को व्रत रहता है, तो अभी हमारा नहीं खुला है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अभी हाल ही के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया बेटा, तो देख लेना इस पैटर्न पे, क्योंकि तो इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए भाई। रीजनिंग इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, अगर रीजनिंग पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट आने जरूरी है। बहुत बढ़िया, चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब देखो भैया अपकमिंग बुक के बारे में कल भी बता रहा हूँ, डेली बता रहा हूँ कि हमारी बुकें सब अवेलेबल हो गई हैं ऐप पे, और आप परचेज भी कर सकते हो। सर जीतू सर के कुशल मार्गदर्शन में सारी बुकें हम लोगों ने मंगा दिया, अरेंज कर दिया, बनवा दिया हूँ, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को रखा गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और RPF वालों अब सो मत जग जाओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके लिए RPF SI और कांस्टेबल, मैंने कल उसके बारे में बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। टाइप नंबर टू शुरू हो गया, टाइप नंबर टू कौन सा होगा मेरे भाई, नंबर्स वाला होगा, कौन सा होगा नंबर्स वाला, संख्याओं वाला। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि तीन चार चीजें आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आपको याद रखना है क्यूब, क्यूब के बाद प्लस माइनस भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई याद रखना है, फिर याद रखना है प्राइम नंबर। ये सब बिल्कुल आपको आने चाहिए तभी आप इस पैटर्न को सॉल्व कर पाओगे। सबसे ज्यादा आपका जोड़ घटाना गुणा भाग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो चलते बेटा टाइप नंबर टू का जो पहला क्वेश्चन है अब इसका निपटारा करते हैं कि 63:36, तो यहाँ डबल रेशियो में क्या आने वाला है, पांच का भी, पांच का भी, साइड प्लीज भैया साइड हो गए हैं, जल्दी से आप जवाब दो। यार मित्रों अभी मैं टाइप टू में बिल्कुल हलवे टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, 12-13 क्वेश्चन सिर्फ लिया गया है। अभी कल की क्लास में अभी इसका टाइप नंबर टू का और चलेगा संख्या वाला, क्योंकि मेन संख्या वाला होता है जिसपे दो पैटर्न बनता है, और दोनों पैटर्न में आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी तो आपको बस सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। अच्छा फर्स्ट का भी, जुन्नू शुक्ला फर्स्ट का भी, अच्छा टाइप नंबर वन में फर्स्ट का क्या है भी, यानी अब यहाँ से भैया पांच नहीं लिखा गया है, फर्स्ट का क्या लिखा है टाइप नंबर टू का पहला क्वेश्चन, कि फर्स्ट का क्या है बी। फर्स्ट तो बिल्कुल आसान है, कैसे ध्यान देना मेरे मित्रों, लिखा गया है 63 और फिर लिखा गया है क्या लिखा गया मेरे मित्रों 36, और यहाँ पे लिखा गया है डबल रेशियो में, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दिख रहा है। आप कहोगे सर 63 को उल्टा कर दो तो मेरे भाई क्या बन जाएगा 36, 63 को उल्टा कर दिया जाए यानी रिवर्स, सीधे सीधे अगर बोल दिया जाए रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बनने वाला है 36, तो क्या 49, नहीं भैया 49 से तो बनेगा क्या 94, और यहाँ पे 74 हटा दो भैया, 95 से मेरे भाई 95 से क्या बनता है 59, और यहाँ पे लिखा गया 59, 100% ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेकेंड टाइप का फर्स्ट अपना मेट्रो, भाई क्या लिख रहे हो, अच्छा मेट्रो क्या दिखा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया सबका जवाब बी आया है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर को देने का ये मतलब होता है कि एग्जामिनर आपके माइंड को चेक करना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हो भाई, रीजनिंग सोचने का विषय है, कैलकुलेशन का विषय नहीं, माइंड से सोचो और आंसर दनादन देते रहो भाई, दनादन आंसर देते रहो, 20 की तरह से T20 की तरह से चौका और छक्का,
कल देख रहे थे ना भैया, आरसीबी फिर से हार गई यार। आरसीबी की किस्मत ना भैया बहुत बुरी लिखी है, देख रहे हैं आप जो लोग भाई मैच के फैन होंगे, आरसीबी की किस्मत बहुत बुरी लिखी है। लेकिन मेरे भाई आप देख रहे थे दिनेश कार्तिक को, भाई उसकी बैटिंग देख के तो दिल मजा आ गया। आरसीबी भले से हार गई लेकिन दिनेश कार्तिक की बैटिंग भाई बहुत मजा। शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन कला अभी तक नहीं गई है। तो कितना भी आप लोग भी कितने बिजी हो जाओ लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो मेरे मित्रों, और हर प्रकार से लगे रहो, सफलता तो एक दिन मिलनी ही मिलनी है, सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि प्रयासरत है तो सफलता मिलेगी। और अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। आरसीबी का मैच आप लोग अगर देख रहे हो तो अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना रन बना दे टीम तो हार जाएगी। तो मित्रों चलो दूसरे का जवाब क्या आने वाला है, दूसरे का जवाब ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का डी दे रहे हैं, दूसरे का डी दे रहे हैं। भाई दूसरे का डी कैसे होगा, पीवीसी लाइन दूसरे का डी, थोड़ा सा और सोच विचार कर लो ना, दूसरे का डी देखो कैसे होगा। क्या लिखा गया है, 1 2 3 को लिखा गया है प्यारे मित्रों, 1 3 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 3 5 का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। ये आपका अब बीबीसी लाइन 2 का सी दे दिए, अब 2 का क्या आ गया सी। अब थोड़ा सा आप रास्ते पे चले हो, क्या किया गया है प्यारे मित्रों समझना, इसी से ये बनाया गया है। कैसे बनाया गया, आप देख लो पहला अंक क्या है 1 और लास्ट वाला अंक क्या है 3, और मेरे भाई जो मिडिल टर्म है इसको इसके पावर के रूप में रख दिया गया, तो आपको क्या लिख गया 13 का स्क्वायर। ध्यान देना एग्जामिनर कैसे खेल रहा है, इसी से बना दिया कि यहाँ का पहला अंक लिया 1, लास्ट अंक लिया 3 और जो मिडिल टर्म था इसको पावर के रूप में रख दिया। कहाँ रख दिया, घात के रूप में रख दिया। भाई पावर का मतलब क्या होता है, घात होता है पावर के रूप में। तो सेम मेरे भाई 235 को कैसे लिखोगे, कहोगे सर 235 को भी इसी रूप में लिखेंगे, सबसे पहला अंक 2 है, लास्ट वाला अंक क्या है 5 और भाई मिडिल में क्या है 3, और 3 को इसके पावर के रूप में ले आओगे तो 25 का क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। बहुत बढ़िया सरिता सिंह, ए नहीं होगा इसका, इसका क्या होने वाला है 25 का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैं सोल्यूशन पूरा बता दिया हूँ, बहुत बढ़िया जुन्नू शिकला 2 का सी, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है 10:1:10 12:12 अगला क्या आने वाला है, जल्दी से जवाब दो। सरिता का गलत हो गया, हाँ भैया आप अपना देखो, सरिता को मत देखो प्यारे मित्रों, आप अपना आंसर देखो। गौरव दिल्ली पुलिस जय हिंद, जय हिंद बेटा जय हिंद। टाइम से भैया 10 बजे 3 दिन क्लास 10 बजे से चलेगी भाई, मेरे भाई मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ये तीनों दिन मेरी क्लास 10 बजे से रहेगी। हाँ हो सकता है 10-5 मिनट कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन क्लास तो 10 बजे से चलेगी 3 दिन, और अगले 3 दिन में 1 या 2 क्लास मिल पाएगी आप लोग को थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि मेरी और भी क्लासेज होती है बेटा, और भी क्लासेज होती है, ऑफलाइन भी रहता है ऑनलाइन, आप लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो आके। तीसरे का क्या है, बीबीसी लाइन तीसरे का भी, बहुत बढ़िया। तीसरा का जवाब भी आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। तीसरे का भी जुन्नू शुक्ला तीसरे का सी, जुन्नू शुक्ला तीसरे का सी, बीबीसी लाइन तीसरे का भी। या क्यों गलत आंसर दे रहे हो, थोड़ा सा आंसर पे प्रयास करो। अब देखो ध्यान से देखो क्या लिखा गया, 10:1:10 और फिर पूछा गया आपसे 12:12 क्वेश्चन मार्क क्या बनने वाला है। बहुत इत्मीनान से सोचो, मैं कहा था स्क्वायर और क्यूब याद करो, 156 भाई प्रेरणा उपाध्याय 156 प्रेरणा तीसरे का सी, बहुत बढ़िया। देखो क्या किया गया, आप दो तरीके सोच रहे हो कि सर हो सकता है 10 का 10 में मल्टीप्लाई किया गया होगा 100 आ गया और प्लस 10 जोड़ दो 110, तो मेरे भाई 12 का 12 में मल्टीप्लाई 144 और प्लस 12 जोड़ोगे तो 156, बिल्कुल सही आंसर। या फिर आप काम कर दो कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं, इसे वही बात है 10 का स्क्वायर प्लस 10 क्या बन जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर 100 और 10 जोड़ दो 110। प्यारे मित्रों उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर और प्लस 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 144 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 156। अब 156 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। बहुत बढ़िया जिनका ऑप्शन नंबर सी था तीसरे का, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा होने वाला है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन का जवाब दो, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाते जाएंगे, एक बैग नहीं बढ़ाना है, पहले आपको सिखाना है, और ये सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए हैं क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो मित्रों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब।
क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखते हैं आप क्या जवाब देते हो क्वेश्चन नंबर चार का। सब लोग लिखिए चार में क्या आएगा, जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर चार में लिख दे रहा हूं क्या लिखा गया है। लिखा गया है 16:56 डबल रेशियो 32 और रेशियो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क लिखा गया। प्यारे मित्रों भाई 12 का मल्टीप्लाई 10 में, 12 दहिया में 120 और 10 भाई, नहीं भैया क्या कर रहे हो आप, क्यों 12 का मल्टीप्लाई 10 में कर रहे हो, आप सोचो थोड़ा सा। वो लिखा गया था 10 का स्क्वायर प्लस 10। प्यारे मित्रों यही तो एग्जामिनर आपको फंसाएगा, यही तो एग्जामिनर। और 12 का मल्टीप्लाई 10 में होता है मेरे भाई 120, और 120 में अगर आप 10 जोड़ोगे बीबीसी लाइन तो 130 होगा, 140 नहीं होगा। फिर से अपना कैलकुलेशन देख लो, 12 का मल्टीप्लाई 10 में 120 और 10 जोड़ोगे तो 130 होगा, 140 नहीं होगा बीबीसी लाइन। फिर से देख लो कैलकुलेशन बेटा। प्रेरणा उपाध्याय 4 का भी 112, अच्छा प्रेरणा उपाध्याय का ऑप्शन आ गया 112। अब चलो अगर 112 एक लोगों का आया तो और लोग प्रयास करो एक बार क्वेश्चन का आंसर देने पे बेटा। चलो देखो जिस प्रकार से मैं सोच के आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप भी उसी प्रकार से करने का प्रयास करो। चलो भाई अब देखो 16 से पहुंचना है 56 पे, ध्यान देना 16 से पहुंचना है 56 पे। ये तो कहोगे सर 4 का स्क्वायर है, लेकिन मेरे भाई 56 ना स्क्वायर है, 32 भी स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर वाला ट्रिक तो लगेगा ही नहीं। अब दूसरा ट्रिक क्या आ गया, कहोगे सर हो सकता है क्यूब, क्यूब तो कोई है नहीं भाई। निशु कुमारी बी है बीबीसी लाइन 20 प्लस, अरे भाई क्यों एक में 10 प्लस कर रहे हो एक में 20 प्लस क्यों करेंगे। एनालॉजी कहता है मेरे मित्रों, फिर से सुन लो, एनालॉजी कहता है कि जो काम आप पहले से दूसरे के लिए कर रहे हो वही काम तीसरे से चौथे के लिए। अलग अलग लॉजिक दोनों में नहीं लगाओगे, अगर अलग अलग लॉजिक लगा दोगे तो पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। गर्लफ्रेंड के साथ होके बगल वाली को देखोगे तो क्या हाल होने वाला है समझ लेना भाई, संडिल पड़ेगी, संडिल पड़ेगी मित्रों। निशु कुमारी भी है, चलो देखते हैं क्या है। तो स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, अब मेरे भाई जोड़ घटाना, भाई जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा जाएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो सबसे बढ़िया काम है मल्टीप्लाई। अब 16 का कौन सा मल्टीपल 56 के करीब होगा, तो हम कहेंगे अगर 16 का मल्टीप्लाई कर लो 4 में तो कितना होगा, आप यहां ध्यान रखो 16 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 64, और 64 से अगर माइनस 8 कर दो तो मेरे मित्रों कितना जाएगा 56। तो अगर सर मल्टीप्लाई 4 और माइनस का 8 क्या यही है भाई, 64 से 8 माइनस दो यानी 56 और 8 कितना होता है 64। बहुत बढ़िया जवाब आने वाला है, सेम वही काम यहां करो मल्टीप्लाई 4 और माइनस का 8। अब भाई 32 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 128 बनेगा, क्या बनेगा 128 भाई, 4 का 2 में 8 और 4 का 3 में 12 और माइनस का 8 करोगे तो मेरे मित्रों कितना बन जाएगा 120, और 120 है ऑप्शन नंबर सी में, तो 112 आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा 112 आपका गलत हो जाएगा। कैसे 112 आंसर आ गया थोड़ा सा बता दो मेरे मित्रों। हाँ ये भी तो हो सकता है कि 16 का 3 में करो 48 और 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। मेरे मित्रों ये भी तो पैटर्न बैठ रहा है, 16 का 3 में करोगे तो 48 और प्लस 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 56। तो 32 का अगर 3 में करते हो, ध्यान देना 32 का 3 में करते हो तो मेरे भाई कितना आएगा 96 और प्लस 8 करते हो तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 104। अब देखो 104 कहीं ऑप्शन में है, नहीं है तो भाई मल्टीप्लाई 3 और 8 गलत हो जाएगा। कैसे, यही सब सोचना है एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अगर 104 होता, अगर 104 होता ऑप्शन में तो 120 नहीं होता, लेकिन मेरे मित्रों आपका 120 है तो 104 ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे मित्रों मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एग्जामिनर जिस सोच पे क्वेश्चन बनाया है आपका वो सोच चलेगा, होता तो 56 3 का मल्टीप्लाई प्लस 8, लेकिन मेरे भाई ये नहीं होगा, आपका कौन सा लॉजिक लगने वाला है जो मैं ये बताया हूं मल्टीप्लाई 4 और माइनस का क्या 8। मेरे भाई अब जुन्नो शुक्ला से बीबीसी लाइन से निशु कुमारी और प्रेरणा उपाध्याय का आंसर गलत था। एक बार आप लोग कैलकुलेशन बेटा मैं कहता हूँ स्ट्रांग करो, कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही सही क्वेश्चन का जवाब आने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन का जवाब दो भाई, पांचवा क्वेश्चन। अरे ये वाला क्वेश्चन तो आप पीछे कर चुके हैं, क्वेश्चन देखो दो बार रिपीट हो गया। पांचवा क्वेश्चन फिर से 63 और 36, तो इसका ऑप्शन तो आप लगा चुके थे सर भी, तो पांचवा कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर छठा के चलते हैं, ये दो बार रिपीट हो गया।
भाई 3, 3, 5 और 216 और यहाँ पे 9, 8, 7, तो क्या होने वाला है, जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का तो निपटारा कर दिए, ये भी एक पैटर्न एग्जाम में बनता है, जल्दी से देखते हैं क्या होगा। डीबीसी लाइन बी, तेना उपाध्याय मेरा लॉजिक कुछ और है। भैया और लॉजिक तो उसमें सेट ही नहीं होगा, कैसे और लॉजिक लगा दोगे? जो सबसे बेहतरीन लॉजिक होता है बेटा, उसी से एग्जामिनर पैटर्न सोच कर क्वेश्चन बनाता है। आप कोई सा भी लॉजिक लगा के नहीं बता सकते हो, दोनों तरफ लॉजिक, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ लॉजिक बेटा समान होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। जुन्नू शुक्ला बी, किस क्वेश्चन का आंसर बी दे रहे हो? जुन्नू शुक्ला जल्दी से बता दो, किस क्वेश्चन का आंसर बी दे रहे हो आप? हम छठे का पूछ रहे हैं कि छठे का आंसर क्या होगा। पांचवा तो एक बार रिपीट हो चुका था, छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन रिपीट था तो मैं स्लाइड को आगे कर दिया हूं। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, मैं कमेंट बॉक्स आपका देख रहा हूं, कमेंट में जल्दी जवाब दो छठे क्वेश्चन का। अब उस क्वेश्चन को देख लेना पीछे जाके कि मैंने किस लॉजिक से कराया है। आप लोग अगले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट हुई बेटा, मैं बहुत टाइम दे रहा हूं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जवाब दो प्यारे मित्रों। फिर आज आपके लिए एक बेहतरीन बहुत बढ़िया सा शायरी लेके आऊंगा, प्रेरणा उपाध्याय छठे का। ये जवाब आना शुरू है तो मैं भी एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं कि 335 को क्या लिखा गया था, 216, और यहाँ पे क्या लिखा गया है आपका 987 का क्वेश्चन मार्क। अगर 216 को हम लोग देखें तो 6 का क्या है क्यूब, लेकिन कोई भी इधर ऑप्शन क्यूब नहीं है, तो क्यूब वाला तो बनने वाला नहीं है। अब क्या करोगे, कुछ मल्टीप्लाई जोड़ घटाना देखो, 335 और 216 में क्या रिलेशन है अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ऑप्शन 868। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझो कि 316 से कुछ कम क्या है, 335 से कुछ कम क्या है 216, तो 987 से भी कुछ कम होगा। अब देखा जाए ये कितना कम है, अगर आप देखो तो 5 से 6 नहीं, 15 से 6 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 9, और 2 से 1 को घटाओ 1 होगा, और 3 से 2 को घटाओ मेरे मित्रों कितना हो जाएगा, यानी इसमें अंतर कितना था 119 का, कितना अंतर था 119। तो दूसरे तरफ भी अंतर कितने का होना चाहिए, कहोगे सर -119। अब 17 से 9 को अगर घटा दो तो प्यारे मित्रों 8 होगा, यानी ये बी ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन गलत है। अब बचा कौन सा, 8 इकाई के अंक में यहाँ है और यहाँ। अब अगला देखते हैं, यहाँ हुआ 7, 7, 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 होगा, यहाँ पे 8 है गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला है, ये बहुत बढ़िया, यानी 868 आने वाला है। तो ये क्वेश्चन अंतर पे था, माइनस पे था कि पहले से दूसरे में 119 का अंतर है, तो मेरे भाई तीसरे से चौथे में भी अंतर कितना होना चाहिए 119, यानी दोनों अंतर बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं कि आप अंतर अलग करके क्वेश्चन का जवाब दो। डीबीसी लाइन 6 का ये, प्रेरणा उपाध्याय 6 का ये, बहुत बढ़िया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है, सातवां, कि 39 को 27 लिखा गया है, तो 49 को देखते ही जवाब आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का जवाब देखते ही आना चाहिए प्यारे मित्रों, देखते ही आना चाहिए, बहुत बढ़िया। आप लोग सातवें क्वेश्चन का जवाब दो प्यारे मित्रों, सातवें क्वेश्चन का जवाब दो अभी बेटा। इसका एक पार्ट आगे कल आने वाला है, बल बहुत बेहतरीन, आज जितने क्वेश्चन हो पाएंगे इसके बाद, क्योंकि ऑफलाइन क्लास लगी रहती है, तो मेरे मित्रों अभी इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन और बचे होंगे, यानी टोटल दूसरे टाइप पे 36 से 37 क्वेश्चन थे, तो आज आधा करा देते हैं, आधा आपको कल करा देंगे बेटा। चलिए जवाब दो जल्दी से सातवें क्वेश्चन का, क्या होने वाला है सातवें का, 7 का ए, जुन्नू शुक्ला 7 का ए। भाई बहुत बढ़िया, जुन्नू शुक्ला ने तुरंत इस क्वेश्चन का लॉजिक समझा और तुरंत जवाब दे दिए कि 7 का ए होने वाला है। अब देखते हैं कैसे होगा। भाई कितना लिखा गया था 39 को लिखा गया है 27, ध्यान देना 39 को लिखा गया है 27, तो आपसे पूछा है 49 का जवाब क्या आने वाला है। तुरंत प्यारे मित्रों तुरंत क्वेश्चन को निपटा दो। बीबीसी लाइन 7 का ए, बहुत बढ़िया 7 का ए। दोस्तों देखो ध्यान से, अगर हम 39 से 27 प्राप्त करें तुरंत बन जाएगा कि सर 3 × 9 क्या होता है 27। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट अप करते हैं कि जो बच्चा देखते ही देखते लगा जाए कि 3 × 9 = 27। तो प्यारे मित्रों यहाँ क्या करोगे, 4 × 9 कितना होता है, 4 × 9 आपका होता है 36, और 36 किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आठवें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। लिखा है 510 रेशियो 8 डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क रेशियो 13। जल्दी से आठवें क्वेश्चन का जवाब दो प्यारे मित्रों, आठवें क्वेश्चन का 510 रेशियो 8 डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे रेशियो है 13। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करो कि आठ का क्या आएगा, आठ का क्या है वीवीसी लाइन। अच्छा अच्छा भैया, हाँ गलत हम पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं भैया। अच्छा वी एन ई एस लिखा है, थोड़ा भाई यहां से दूर लगा है ना स्क्रीन आपका, तो बीबीसी बड़े लेटर में है तो साफ साफ दिख रहा है और पूरा दूर है थोड़ा सा भाई, बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कमेंट आपका चल रहा है तो यहाँ से छोटा दिखाई देता है भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं बीबीसी सिर्फ बोलूंगा आपको, कोई बात नहीं भाई। बीबीसी का आंसर देखो, आठवें क्वेश्चन का जवाब दो, नाम में क्या रखा है प्यारे मित्रों। नाम तो आप वर्दी ले लो, पूरा नाम ही बन जाएगा, पूरा देश दुनिया जानेगा, आप टॉपर बन जाओ, रैंक वन ले दो, पूरा दुनिया आपको जानेगी। जुन्नू शुक्ला आठ का सी, बीबीसी का आठ का सी आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया जवाब अब आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आठ का सी। प्यारे मित्रों देखते हैं अब की बार, ध्यान देना, पहला और दूसरा, अब की बार तीसरे पे क्वेश्चन मार्क है, चौथा दिया है, तो मेरे भाई अब की बार दूसरे से कहां जाना होगा, पहले पे, तो यहाँ चौथे से कहां जाना होगा, तीसरे पे। यानी जिस प्रकार दूसरे से चलकर पहला बनाया होगा उसी प्रकार चौथे से चल के किसका जवाब मिलेगा, तीसरे का जवाब मिलेगा। कैसे बनाऊंगा भाई, आठ से 510 एक ही प्रकार है, एक ही तरीका है आठ से 510 पे जाने का, वो भी आपको पता होगा कि सर आठ का जो क्यूब होता है, आठ का क्यूब होता है वो होता है 512, कितना होता है 512, और अगर 512 से दो कम कर दिया जाए तो सर कितना बन जाएगा 510, कितना बन जाएगा 510। सेम वही काम करके देखो कि सर 13 का जो क्यूब होता है 2197 होता है, यानी 2197, और अगर यहां से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2195, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा 2195 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया है, सी में दोस्तों लिखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ क्यूब माइनस क्या किया गया है 2, बहुत बढ़िया, क्यूब माइनस क्या किया गया है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नौवां क्वेश्चन लिखा गया है 6 और 32, फिर लिखा गया है 9 2 और क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। चलो दोस्तों देखते हैं अब की बार कितने लोग जवाब देते हैं, अब की बार कितने लोग जवाब देते हैं। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया जवाब है, जल्दी से इसका निपटारा करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते रहो प्यारे मित्रों, बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते रहो भाई। अंकित राजभर सी, अंकित राजभर सी, किस क्वेश्चन का आंसर अंकित राजभर सी दे रहे हो, किस क्वेश्चन का आंसर अंकित राजभर सी, किस क्वेश्चन का आठवें का सी है भाई, नौवें क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, नौवें क्वेश्चन का भाई 9 का डी, अमन 9 का डी 18, बहुत बढ़िया अमन 9 का डी 18, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमन का जवाब सबसे पहले आया है 9 का डी, क्या लिखा गया है 6 और 6 के बाद 32, क्वेश्चन मार्क क्या लिखा गया 9 2। आप देखोगे फिर से वही काम करना है कि भाई दूसरे से किस पे चलना है, पहले पे, तो चौथे से भी किस पे चलना है, तीसरे पे चलना है, तीसरे पे चलना है। दोस्तों अब ध्यान दो, 32 से क्या बनाना है 6 बनाना है, 32 से 6 बनाना है। कहोगे सर अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दे तो 6 बन गया, अरे भाई तुरंत दिखना चाहिए कि 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर, 2 में कर दे तो 6, भाई 9 का a कैसे आएगा, जुन्नू शुक्ला 9 का a नहीं है। अब देख लो ना, अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6, तो प्यारे मित्रों वही काम यहाँ करो, 9 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आ जाएगा 18, और 18 किस ऑप्शन में है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है, किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, तुरंत क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। बीबीसी का भी 9 का डी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों जिन लोग जवाब दे रहे हैं उनका दिमाग अब काम कर रहा है, ओपन हो गया है दिमाग। चलो और नोट्स भी बनाते चलो प्यारे मित्रों, अभी तो आपका ये लेवल आपको धीरे धीरे मैं अप कर रहा हूँ, अभी कल जो लेवल आने वाला है वो भी बहुत अच्छा उम्दा लेवल का है, जो अभी हाल ही में कुछ दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं क्वेश्चन, और यूपीएसआई का कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन दसवां,
दसवां क्वेश्चन का जवाब दो कि 256 रेशियो 14, फिर डबल रेशियो 324 रेशियो 16, फिर 441 और रेशियो क्या होने वाला है। 10th नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दो प्यारे मित्रों, 10th नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दो कि क्या होने वाला है जवाब, जल्दी से प्यारे मित्रों जवाब आना चाहिए चौथे क्वेश्चन दसवें क्वेश्चन का कि दसवें क्वेश्चन का जवाब क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया प्यारे मित्रों, गुरुजी पीडीएफ डलवा दीजिए ना भैया, पीडीएफ। राजन सर बच्चों की डिमांड है कि बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो लिंक में मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं तो लिंक में आज पीडीएफ डाल दीजिए, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सोल्यूशन का भी पीडीएफ लिंक में ही डलवा दीजिए। बेटा आज मैं आईटी टीम से बात करके, राजन सर से आज बात करके पक्का बिल्कुल आज शाम तक आपकी ये भी मनोकामना मैं पूर्ण कराने वाला हूँ बेटा। पीडीएफ डलवा देता हूँ, एनालॉजी का पीडीएफ, कोडिंग डिकोडिंग दोनों का मैं डलवाने वाला हूँ बेटा, आप प्रैक्टिस करते रहो। भैया अमन 10 का डी आ गया, क्या आ गया, 10 का डी, 10 का डी नहीं प्यारे मित्रों, 10 का थोड़ा सा गलत आंसर बता रहे हो। अमन फिर से देख लो, जुन्नू शुक्ला 10 का डी, विभीषी 10 का डी, 10 का डी कैसे होने वाला है, 10 का डी कैसे होने वाला, थोड़ा सा दिमाग खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करो, 10 का डी नहीं होगा, तुरंत ना घबरा जाओ। दोनों रिलेशन देखो कैसे हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, जुन्नू शुक्ला अमन विभीषी, भैया देखो यहां ध्यान से देखो बोर्ड पे कैसे मैं समझा रहा हूं, 10 का डी नहीं होगा। आप कहोगे सर जो 256 है, अब नजर से दिखना चाहिए कि सर ये किसका स्क्वायर होता है, 16, किसका स्क्वायर होता है, 16 का। आप कहोगे अब यहाँ पे स्क्वायर जिसको नहीं याद है उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएगा, तो आप 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, 30 तक कितना स्क्वायर और 20 तक क्यूब बिल्कुल रट के रखो, बिल्कुल क्या रखो, याद करके रखो, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं है मेरे मित्रों। 256 16 का स्क्वायर है, लेकिन 16 से अब यहाँ 14 ले आया गया, तो कहोगे सर इसी को 16 माइनस क्या कर दो, 16 माइनस क्या कर दो, प्रेरणा उपाध्याय 10 का सी 23, नहीं भैया 23 भी नहीं आएगा, क्या आप लोग कर रहे हो, आ जाए बताओ कहां दिमाग आप लोग का गया भाई। 256 16 का स्क्वायर और 16 से माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब मेरे भाई 324 18 का स्क्वायर और ये क्या लिखा गया भाई, 18 माइनस 2, कहोगे सर 16 आ जाएगा। 441 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे सर 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर 441 और 21 माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 19, और 19 पे मेरे भाई क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए है 19 भाई, ऑप्शन नंबर ए है 10 का ए। अमन अब आया आंसर 10 का ए, 10 का ए बहुत बढ़िया, 10 का ए अब आया आंसर, 10 का ए, जुन्नू शुक्ला 10 का ए अब आंसर बता लिए। तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि कलाकारी जमकर क्या कर रहा है, उसने एक स्क्वायर लिखा और भाई जिस नंबर का स्क्वायर है उसी से 2 कम करके अगली संख्या लिखा गया था, कैसे लॉजिक बना कि पहले संख्या जिस नंबर का ये क्या थी, मान लो यक्ष का अगर स्क्वायर थी तो जो दूसरी संख्या लिखी गई है ये क्या लिखा गया, फिर यक्ष माइनस 2 लिखा गया है, ये आपका करेक्ट लॉजिक बन रहा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंकित राजभर बीबीसी भाई हंस लो, आप फंस गए ना, एग्जामिनर भी ऐसे ही फंसाता है मित्रों, ऐसे ही फंसाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से, अहो भाई अब मैं अपने यहाँ की फैसिलिटी बता रहा हूँ भाई, जहां मैं भी रहता हूँ यहाँ पे मैं भी 24 आवर्स रहता हूँ, 24 आवर्स नहीं भाई, नागलोई में शाम तक रहता हूँ भाई, रात मैं भी रहता हूँ अपने इसी घर में रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ भाई गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल तो बहुत पहले से था, दोनों फैसिलिटी हो गई है और बहुत बढ़िया तरीके से भाई रहना खाना बिजली रनिंग ट्रेनिंग वहां पे रिटेन हर एक फैसिलिटी है मेरे गुरुकुल में। तो आप लोग भी आइए, जो बहुत दूर से है अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मित्रों आपका बिल्कुल वेलकम है, यहाँ पे बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे गुरुकुल में हमारे परिवार में, आइए हमारे साथ आप लोग भी रहिए, बहुत सारा प्यार मिलेगा वहां। मैं बच्चों के साथ बेटा समझ लो कि रात में बच्चे एक एक बजे क्वेश्चन मुझसे पूछने आते हैं, मैं एक एक बजे तक बच्चों को बताता रहता हूँ क्वेश्चन, 1 बजे कोई 12 बजे बच्चा आता है बताते रहता है, इतना अच्छी फैसिलिटी वहां पे, तो मैं वहां पे रहता हूँ। तो प्यारे मित्रों आप भी जुड़ो, गर्ल्स बॉयज सबका हॉस्टल रेडी है बिल्कुल बेहतरीन, तो आप लोग भी जुड़िए जरूर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 216 252 तो 564, ये क्या किया गया है, अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या कलाकारी किया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कलाकारी किया गया, जल्दी से 11वें क्वेश्चन का जवाब दो। और इसी के साथ आपको आज बहुत बढ़िया एक प्यारी सी शायरी सुनाएंगे सर, आप
कहां से हो? मीनू चौहान, मैं गोरखपुर से हूं भैया, मैं गोरखपुर से हूं, गोरखपुर जिला, योगी बाबा की नगरी से गोरखपुर जिला। नहीं, योगी बाबा मेरे नगरी से है, मैं प्रॉपर गोरखपुर का हूँ, योगी बाबा का घर तो उत्तराखंड में है, वो आए हैं गोरखपुर मेरे जिला में, ठीक है? तो मैं तो भैया वहीं से हूँ जहां के यूपी के सीएम है, यूपी गोरखपुर से। जल्दी से बताओ, जल्दी से, बीबीसी भैया प्रयागराज क्या लिख रहे हो भाई? भाई प्रयागराज, भैया प्रयागराज में तो मैं रहता था, प्रयागराज में मैं रहता था, मैं प्रयागराज 4 साल रहा हूँ भाई, 4 साल से यादें जुड़ी हुई प्रयागराज में, बहुत अच्छी जगह है प्रयागराज, संगम नगरी। आप हॉस्टल, आपका हॉस्टल, मेरा हॉस्टल दिल्ली बापरोला में है भाई, दिल्ली में, नागलोई से थोड़ा सा आगे बापरोला में है दिल्ली। हाँ, दिल्ली बापरोला में मेरा हॉस्टल है, वहां पे बच्चों के लिए बेहतरीन फैसिलिटी दी गई है भाई, बहुत बेहतरीन सुविधाएं दिलाया हूँ बच्चों के लिए। आप लोग भी जुड़िए, बहुत लोग जुड़िए, इस क्वेश्चन का जवाब दो, 11 नंबर का, बातें होती रहेंगी, 11 नंबर का जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, 11 नंबर का क्या होगा? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया कि 216 और 252, फिर लिखा गया 564, क्या लिखा गया है? 216 रेशियो 252, फिर लिखा गया है भाई, क्या लिखा गया है? 564। और अगला पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क क्या होने वाला है, जल्दी से जवाब दो। किसी का 11 का डी, एक जवाब आ गया अमन का, 11 का डी। चलो दोस्तों, और लोग जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो और लोग। भाई मैं फूल कहूं तो मुरझा जाओगी, मैं फूल कहूं तो मुरझा जाओगी, अगर कली कहूं तो बिखर जाओगी, कली कहूं तो बिखर जाओगी, चलो आपका नाम जिंदगी रखते हैं, कम से कम मौत से पहले साथ तो छोड़कर नहीं जाओगे। कह रहे दोस्तों, कम से कम मौत से पहले साथ तो छोड़कर नहीं जाओगे। तो बहुत बढ़िया, एक आपको प्यारा सा मैंने कंटेंट बता दिया, जो 2024 में हर जगह दौड़ेगा, जहां चाहो वहां चिपका देना प्यारे मित्रों, जहां चाहो वहां चिपका देना। शादियों का सीजन भी चल रहा है तो निपटाते रहो हर एक कार्यक्रम को। डी प्रेरणा उपाध्याय डी, बहुत बढ़िया, मीनू चौहान डी। देखो दोस्तों, कुछ नहीं किया गया था, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझते कि सर 216 तो स्क्वायर है लेकिन 252 स्क्वायर नहीं है, 564, भाई 216 में कितना जोड़ दो, एक बार जोड़ के देखो क्या क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। लेकिन आप एक प्रकार समझो भाई, 2 और 1 3 और 3 6 जोड़ दो भाई, कितना सम होने वाला है? इसका सम होने वाला है 9। आप यहां भी देखो भाई, 2 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ सम कितने वाला है? यहाँ भी 9। अच्छा, इधर दोनों का सम बिल्कुल क्या है, समान है। तो आप यहाँ भी देखो ध्यान से भाई, 5 प्लस 6 प्लस 4, यहाँ पे सम हुआ 15। तो देखो कौन से ऑप्शन का सम 15 है, क्वेश्चन का जवाब तुरंत आ जाएगा भाई, 6 3 9 और 2 11, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अगला अगर देखा जाए भाई, 6 4 10 और 8 18, ये भी गलत हो गया, 6 5 11 और 8 19, ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखोगे 6 और 3 9 9 और 6 कितना हो गया, 15, बिल्कुल सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल प्यारा जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी शायरी 2 बार ट्राई किया हूं, अच्छा मेरी शायरी 2 बार ट्राई की, अरे तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ऐसे मत बोलो। नहीं मानती लड़कियां गुरुजी, अरे भाई नहीं मानती लड़कियां, तो मैं लड़कियों के ऊपर थोड़े लगाने के लिए बोला, आप लोग का दिमाग बेटा बिल्कुल वही चलता है, मैं तो बता रहा हूँ ये अच्छा कंटेंट है, इसको मतलब आप कहीं पे सैड हो तो आप सुन सकते हो, अच्छा सा उसको मना सकते हो, अब हर जगह थोड़ी ना चिपका दोगे यार, जहां मन करे वहां चिपका दूंगा। अरे ऐसा ना करो भाई, इतना मत आजमाइश करो, पहले पढ़ाई पे ध्यान ले लो, वर्दी ले लो, सब मिल जाएगा भैया, सब मिल जाएगा दोस्तों, सब मिल जाएगा भाई। शादियों का सीजन है तो निपटाते चलो, अपना नहीं दोस्तों का निपटाओ, अपना तो तब करो जब आप बिल्कुल कामयाब बन जाओ, बिना कामयाबी के शादी मत करना दोस्तों, शादी मत करना, नहीं तो बीबी के नखरे भाई, उठा नहीं पाओगे बीबी के नखरे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 12वें का जवाब क्या बनने वाला है बेटा, जल्दी से बताओ 12वें क्वेश्चन का जवाब क्या बनने वाला है? सर याद ही नहीं हुआ, सर याद ही नहीं हुआ, बेटा फिर से वीडियो को आप एक बार रिवर्स बैक करके देख लेना, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, मनाने के लिए ही किया था, बिल्कुल मान जाएगी भैया। बहुत सारी शायरियां मैं आपको बता दिया हूँ, एक एक शायरी को देख लो हर एक क्लास में,
पीछे की 6 क्लास कोडिंग डिकोडिंग की पड़ी हुई है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लो। कोडिंग डिकोडिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया भाई, 6 क्लास पड़ गई है आपकी कोडिंग डिकोडिंग की। दूसरी क्लास एनालॉजी की, अभी एनालॉजी की 2 क्लास चलेगी भाई। 12 का डी, प्रेरणा उपाध्याय 12 का डी, अमन 12 का डी, सर किसी का भी नहीं कराओ। चलो भैया हम नहीं कराते हैं, चलो आप जवाब दो। 12 का डी आने लगा, क्या लिखा है मेरे मित्रों? 24 रेशियो कितना लिखा है? 36। और अगला लिखा है क्या? 2 और 1 रेशियो क्वेश्चन मार्क। आप दिमाग से देखो, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि सर 24 से 36 कैसे आएगा। हम कहेंगे बेटा 2+4 को जोड़ लो ना, 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। जो पहला संख्या दिया गया है उनके नंबरों का डिजिट का योग कर लो और उसी का फिर स्क्वायर निकाल लो, आ जाएगा दूसरा वाला। कहोगे सर 2 और 1, 2+1 का वैल्यू कितना होगा? 3, और 3 का स्क्वायर प्यारे मित्रों कितना होता है? 9। ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। बहुत बेहतरीन जवाब 12 का डी, बहुत बेहतरीन जवाब 12 का डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सबका जवाब। मीनू चौहान, बीबी से जुन्नू शुक्ला, प्रेरणा उपाध्याय, अमन, सबका 12 का डी है, बहुत बढ़िया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? सबसे प्यारा क्वेश्चन आज का यही वाला है, यानी अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा बनने वाला है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। जल्दी से आप जवाब दो 13वें का। 13वें का जवाब क्या हो रहा है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो। इसके बाद एक क्वेश्चन और इस टाइप में है आज के लिए, उसके बाद वीडियो को फिर हम लोग आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। अभी कल बेटा, कल इसकी एक क्लास टाइप नंबर 2 की अभी और होने वाली है, जिसमें और जो दूसरा टाइप पूछाता है और अलग से बहुत बढ़िया तरीके से निपटाया जाएगा। सर 6 होगा, 13 का A आ रहा है, 13 का A, प्रेरणा उपाध्याय 13 का B, भाई बहुत बढ़िया, 13 का A और 13 का B। दोस्तों अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों बहुत अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत खतरनाक तरीके से सोचा था भाई। 243:9, फिर कितना लिखा था? 32, और यहां पे रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा समझना, यहां पे एग्जामिनर अगर देखा जाए 2, 4, 6, और अगर आप कहोगे सर 2, 4, 6, 3, 9, तो मेरे भाई 3 और 2, 5 होना चाहिए, तो 5 तो ऑप्शन में नहीं है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 8 और 3 कितना होता है? 24, और 3 × 6, तो भाई 24 और 6 दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ए वाला सर कितने बजे से चलती है अभी क्लास? बेटा रीजनिंग की क्लास आज 10 से 11 था, मैथ का क्लास 12 से 1 रहेगा, और उसके बाद 2 से 3 जीके का क्लास रहेगा, और हमारी ऑफलाइन क्लास बेटा 10 से 1 चलती है और 2 से 5 चलती है ऑफलाइन क्लास नागलोई और बापरोला में। यहां देखो ध्यान से 243:9, यहां कलाकारी एग्जामिनर किया है, इस 9 से बनाया है 243 को। कैसे बनाया है? अगर 9 का स्क्वायर देखो तो भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। और अगर आप √9 की वैल्यू कोई बता सकता है भाई? √9 की वैल्यू होता है 3। कितना होता है भाई? √ में 9 लिखा गया तो बाहर कितना निकल के आएगा? 3। अब इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो तो भाई कितना आ जाएगा? कहोगे सर 243। कितना आ जाएगा? 243। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगेगा। अगर हम कहें 6 का स्क्वायर 36, हमको चाहिए कितना? 32, तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल है गलत। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, कहोगे सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और मेरे भाई √4 का मान कितना होता है? 2। अब ध्यान दो, 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो मेरे मित्रों कितना आ जाएगा? कहोगे सर 32 आ जाएगा, तो बिल्कुल भाई 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो कितना आ गया? 32। और क्वेश्चन में भी यही लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला था? बी। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर बनने वाला था बी। किसी का जवाब भाई प्रेरणा उपाध्याय का जवाब सिर्फ सही आया था ऑप्शन नंबर बी, बाकी और किसी का जवाब नहीं। ध्यान से देखो फिर से क्या किया गया है, जो 9 था इसका स्क्वायर किया गया और इसी का √ कितना था? 3। फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 243। अब आप ऑप्शन से चलो, 6 का स्क्वायर 36, तो 32 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और √4 का मान 2, तो भाई 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणा का सही है भाई। आप अपना देखो, दूसरे का मत देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 216:18, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार जवाब देने का प्रयास करो। और आज के क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मीनू चौहान भी,
भाई अब 14 नंबर का जवाब दो। बहुत बढ़िया, 14 नंबर का जवाब क्या आने वाला है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दो। मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं। चलते रहो आप लोग आगे दोस्तों, बढ़ते रहो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहो। कई क्वेश्चन बेटा मेरे क्लास नोट से जो पढ़ाता हूं यहीं से आने वाला है, कई सारा क्वेश्चन यहीं से। अभी पीछे पिछला एग्जाम सबसे बेहतरीन जीडी और यूपी पुलिस का हुआ। यूपी पुलिस के लास्ट टाइम में जो मैं क्वेश्चन करा था वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन में भी ना चेंज था ना नंबर में बेटा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल भाई विश्वास रखना, यही क्वेश्चन आने वाला है। जुन्नू शुक्ला 14 का, सी भाई जुन्नू शुक्ला 14 का क्या बता रहे हैं? सी, बहुत बढ़िया। और किसी का? प्रेरणा उपाध्याय 14 का, सी अमन 14 का, सी। चलो देख ही लेते हैं भाई क्या लिखा गया था। 216 और यहाँ पे लिखा गया 18 और लिखा है 125 और क्वेश्चन मार्क लिखा है। ध्यान देना कैसे किया गया है भाई। 216 देख के याद आ चाहिए कि सर ये 6 का क्या है? क्यूब। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। और मेरे भाई ये तो लिखा गया है 6 × 3 भाई। जो क्यूब था पहला नंबर, जिस नंबर का क्यूब था और उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पावर का और उस संख्या का मल्टीप्लाई करो। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा मेरे भाई। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में आप कर दोगे तो कितना बनने वाला है? 15 आने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बढ़िया प्यारे मित्रों, अंकित राजभर सी बी भी सी सी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर एक नंबर का आया है। दोस्तों देखते हैं क्या आगे भी कोई क्वेश्चन है। नहीं बेटा, आगे आज स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, कल इसकी बेहतरीन एक पार्ट और आने वाला है जिसमें 15 से 16 या 20 क्वेश्चन के लमसम बचे हुए हैं, उसको भी मैं इसी तरीके से निपटाऊंगा बेटा। और अब क्वेश्चन का लेवल आपका फिर क्या है? बढ़ने वाला है। और इसमें दो पैटर्न आता है, एक पैटर्न वाला ये रेशियो और एक पैटर्न आप देखते होगे कुछ इस तरीके से बनता है भाई, कुछ इस तरीके से बनता है क्वेश्चन का। ये बहुत ज्यादा आ रहा है इस समय, एक क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है। तो कल इसका भी भंडारा में निपटारा होने वाला है, कल तांडव होने वाला है भाई, शिव तांडव होने वाला है। ठीक है, तो आप कल की क्लास मिस मत करिएगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए और दोस्तों को जोड़ते रहिए। और भाई दिल से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू गुरुजी भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे रीजनिंग की मस्ती वाली क्लास में, बिल्कुल एक अच्छे गाने के साथ मिलूंगा कल, गुनगुनाते हुए आवाज में प्यारे से मिलते हैं। आप लोग भी तैयार रहिएगा कल 10 बजे कॉपी और पेन लेके, लेकिन कॉपी और पेन की जरूरत तो सॉल्विंग में नहीं पड़ेगी प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चल